हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजी ब्लॉग्स। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छा है उस ऊपर वाला की कृपा से, और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो दुआ करता हूँ आप लोग ऐसा ही हमेशा अच्छा ही रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आपको ले जाने वाला हूँ मुंबई की फिल्म सिटी पर, और उस फिल्म सिटी में आपको लाइव शो दिखाने वाला हूँ ए टू जेड, क्या क्या है सभी चीज और एक ही साथ। तो दोस्तों, जुड़े रहे मेरे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक और देखते हैं उस फिल्म सिटी के अंदर क्या क्या है। तो चले पहले बस में चढ़ते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। एक फिल्म देखी शायद आपने, जो जोकर फिल्म था, उस फिल्म में जो बगलापुर गांव था वो यही था। और एक फिल्म देखी थी शायद केदारनाथ, केदारनाथ में जो केदारनाथ था वो यही था कि वो केदारनाथ। यहाँ पर भी एक शूटिंग चल रहा है, वो एक सीरियल का, स्कूल पिकनिक के लिए। आपने शायद एक फिल्म देखा होगा जिसका नाम है थ्री डेट्स। थ्री डेट्स में जो कॉलेज दिखाया गया था, कॉलेज का शूटिंग, और पूरा कॉलेज यही था और इसी पर ही वो शूटिंग हुआ था, कॉलेज का सीन। आपने शायद एक सीरियल देखा होगा या तो सुना होगा जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो उसमें जो एक नायरा का घर था वो यही है, और वो जो राइट साइड में दिख रहा है वो है नायरा का ससुराल है। तो दोनों घर आजू बाजू में यही सीन सिर्फ दिखाता है उस सीरियल में, शूटिंग के टाइम अलग अलग करके। नो, कैसे हो सकता। एक फिल्म था जोली LLB 2, उसमें जो कोर्ट था वो कोर्ट यही था, और वो कोर्ट दिखाया गया था लखनऊ में। तो इसका शायद भाग्य ही ऐसा है जो कभी कभी लखनऊ भी जाना पड़ता है। आप लोगों ने शायद देखा होगा फिर हीरा फेरी, तो उसमें जो बाबूराव का सीन क्रिएट हुआ था वो यहीं पर ही हुआ था, जो आगे दिख रहा है एक बिल्डिंग छोटा मोटा उधर ही हुआ था। एक फिल्म देखा आपने शायद वास्ते, वास्ते में जो संजय दत्त का घर था वो यही था। यहीं पर कपिल शर्मा शो की शूटिंग पहले होती थी, ये वाला सीजन यहाँ पर हो रहा है। जितने अवार्ड फंक्शन देखते हैं उनमें से काफी भी शूटिंग यहाँ पर होती है। ये सामने स्टूडियोज हैं जो देख रहे हैं आप, फिल्मों में आलिशान ड्राइंग रूम, हॉल, किचन, बेडरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, जो भी आप देखते हैं वो इधर ही होता है। और इधर उधर जाने के लिए ये सब बस गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। इधर भी शूटिंग का तैयारी चल रहा है, शूटिंग के लिए तैयार कर रहा है इधर। ये सब पुराना बिल्डिंग ज्यादातर फिल्म में मेडिकल बनाया जाता है और उसी के लिए यूज किया जाता है। भूतनाथ फिल्म में जो बंगला बनाया गया था वो इधर ही है, ये जो सामने दिख रहा है यही था वो बंगला। इधर भी शूटिंग के लिए पूरा सेट किया जा रहा है, और आगे भी देखते हैं। हाँ, इधर भी वो यही है सेम, एक ही घर के अंदर ही। आगे जो दिख रहे हैं वो एक सीरियल का शूटिंग चल रहा है, तो उधर हमको जाने नहीं देगा क्योंकि उधर बहुत सेफ्टी एरिया बना है, कोई किसी के लिए परेशान ना हो इसीलिए। तो उधर नहीं जाएंगे हम, सीधा दूर से देख कर हम आगे चलते हैं और आगे निकलते हैं। मराठी में जो बिग बॉस दिखाता है वो यही है, इस दीवार का अंदर शो करते हैं, स्टेज बना हुआ है तो इधर ही होता है। देखिएगा सामने बिहार विधानसभा दिखेगी आपको, ये बिहार विधानसभा दिख रही है, आराम से रुक लीजिए सर। बिहार विधानसभा है, हॉस्पिटल है, मंदिर है, मस्जिद है, राशन की दुकान है, खुद का अपना पर्सनल थाना है। तो शूटिंग में जो भी आप रिक्वायरमेंट देखते हैं लोकेशन की, वो सारी लोकेशन यहाँ बनाई गई है। सब लकड़ी थर्माकोल BOP का सेट है पूरा, ये घर, ये ससुराल, तबियत खराब हो गई, हॉस्पिटल है, कोई से लड़ाई झगड़ा हो गया, थाना भी है, विधानसभा है, पेट्रोल पंप है, मार्केट है, पूरी लोकेशन है जो आप देखते हैं शूटिंग में।
ये जो साइड में जो दीवार दिख रहे हैं, लग रहा है ना ये पक्का दीवार है, नहीं है, ये सिर्फ कपड़ा से बना हुआ दीवार है, सिर्फ दिखाने के लिए। देखिए क्या कमाल का बनाया डिजाइन, ये एक सीरियल के लिए सेटिंग करके रखा है। ये जो जंगल दिख रहा है, घर दिख रहा है जंगल के अंदर, ये सब शूटिंग के लिए बनाया गया है। गांव जहाँ पर ये जंगल का ज़रूरत होता है तो इस घन जंगल में शूटिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या। एक सीरियल है झूठी सरदारनी, वहाँ पर जो घर दिखाते हैं वो यही घर है, आगे जो दिख रहे हैं यही है, तो यहाँ पर ही वो शूटिंग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, शाहरुख खान का शायद एक फिल्म देखा होगा या तो सुना होगा, उसका नाम है देवदास। उस देवदास फिल्म इधर ही शूटिंग हुआ था, शायद विश्वास नहीं हो रहा है आपको। तो इधर जो गेट दिख रहा है, उस गेट के अंदर एक पुल है, उधर आपको नदी बनाया गया था, वो टैंकर से पानी देकर वो नदी को पुल को भरते थे और उसको नदी क्रिएट कर दिया था उस फिल्म में। तो देखते हैं आगे, विश्वास तो नहीं होता है। जो मेरा लेफ्ट साइड में ब्लू कलर का जो दीवार दिख रहा है आपको, इधर ही होता है हिंदी वाला बिग बॉस। शायद नहीं लग रहा है इधर बिग बॉस हो रहा है, क्योंकि अंदर ऐसा ही होता है। यह है टीवी में जो दिखाई देते हैं जन्नत सीरियल, उसी का सेटअप है, इधर ही किया जाता है वो जन्नत सीरियल का सीन। और एक फिल्म देखी थी आपने शायद ओम शांति ओम, उसी का जो स्टूडियो होता है ये, तो उस स्टूडियो यही था और यहीं पर ही वो शूटिंग किया जाता। तो चलिए देखते हैं, जुड़े रहे वीडियो के साथ, आगे क्या क्या देखने को मिलता है। तो फैंस, अभी तक शायद आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा, जब मंदिर का मूर्तियाँ हमेशा चेंज होता रहता है, तो अभी देखेंगे ये है एक मंदिर, और इस मंदिर का मूर्तियाँ हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि शूटिंग के लिए इसको चेंज करना पड़ता है। तो देखते हैं इस मंदिर को, तो गॉस कीजिए कौन सा फिल्म में इस मंदिर को देखा आप लोग। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन का शायद भगवान फिल्म देखा होगा, उस भगवान फिल्म में यह पर ही स्कूल बनाया जाता है, और इधर ही अमिताभ बच्चन का यही घर होता है। चाल देखो बेचारा का। तो चलते हैं, देखते हैं, इस घर के अंदर जाएंगे मैं अभी, तो धीरे धीरे आगे निकल जा रहे हैं, आगे बढ़ रहा हूँ। ये है दरवाजा, अरे साला इधर का दरवाजा है ही नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। क्या देखेंगे इसको। चलते आगे देखते हैं। ये एक इडियट है और जो मैं हूँ। कोई मिल गया फिल्म में ऋतिक रोशन ने जो साइकिल चलाते वो यही रास्ता है, इसी रास्ते से साइकिल चलाते थे। और ये जो रास्ता दिख रहा है ये जंगल के नीचे है, ये कहीं पर नहीं गया है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, आगे जाके रास्ता खत्म हो गया। तो देखते हैं आगे। टाइगर श्रॉफ ने रोल किया हुआ मेरी वाली डिंग डंग करते जो गाना था वो इधर ही शूटिंग हुआ था, ये टीना जो बेड देखे इसी का अंदर। एक फिल्म था वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, उधर जो सीन किया गया था डोंगरी के चाल बनाया गया था वो यही था, इधर ही शूटिंग हुआ था। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक शेयर कर दीजिएगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक ठोक देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन में जाके क्लिक मार दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन के साथ लड़ाई झगड़ा करना है ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद मेरे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहने के लिए। भारत माता की जय।